हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्ले स्टेशन 2 कंसोल के बारे में। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट प्ले स्टेशन 2 के ऊपर आते हैं, भाई अगर हमें प्ले स्टेशन 2 अगर सेकेंड हैंड लेना है तो हमें कितने में लेना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बना चुका हूँ प्ले स्टेशन 2 के बारे में, लेकिन प्ले स्टेशन 2 कंसोल ऐसा है इस पर हम लोग 1000 वीडियो भी अगर मैं बना लेता हूँ तो कम पड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लोग सदी के महानायक की अगर बात करते हैं तो गेमिंग कंसोल का जो महानायक है वो प्ले स्टेशन 2 ही है। अगर हम लोग सर्वे भी अगर हम लोग कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वोट प्ले स्टेशन 2 को ही मिलेंगे। प्ले स्टेशन 2 आज भी लोगों के दिलों में राज करता है, उसके काफ़ी सारी वजह है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शुरुआत से स्टार्टिंग से हम लोग बात करते दोस्तों। प्ले स्टेशन 2 सन 2000 में आया था, जहाँ तक मेरा गणित यही कहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। प्ले स्टेशन 2 के टक्कर में एक्सबॉक्स कंसोल था और ड्रीमकास्ट कंसोल था। अगर मैं ड्रीमकास्ट कंसोल की बात करता हूँ तो ड्रीमकास्ट कंसोल प्ले स्टेशन 1 के ज़माने से था। जब प्ले स्टेशन 1 आया था उसके 2 या 3 साल के बाद ड्रीमकास्ट कंसोल लॉन्च हो गया था। ड्रीमकास्ट कंसोल बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के काफ़ी सारे कारण हैं। ड्रीमकास्ट कंसोल का हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती ही थी, वो चाहे लेंस की प्रॉब्लम हो, ड्रीमकास्ट में ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती थी और ड्रीमकास्ट में उतने खास गेम भी नहीं आते थे। हाँ, ड्रीमकास्ट के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे, प्ले स्टेशन 1 के टक्कर में ड्रीमकास्ट के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे। अगर हम लोग प्ले स्टेशन 1 और ड्रीमकास्ट में कंपेयर करते हैं तो ड्रीमकास्ट कंसोल के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये सब के बावजूद ड्रीमकास्ट कंसोल बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और ड्रीमकास्ट के टक्कर में प्ले स्टेशन 1 के ग्राफिक्स बहुत ही डल होते थे। इन सब के बावजूद प्ले स्टेशन 1 सुपर हिट साबित हुआ। उसके कारण काफ़ी है। सबसे पहले जो मेन कारण है प्ले स्टेशन 1 का हार्डवेयर। अगर आप लोग प्ले स्टेशन 1 ले लेते हो तो 5-6 साल आपको देखना ही नहीं पड़ता था। अगर आप ड्रीमकास्ट कंसोल लेते थे तो 1 साल के अंदर ही अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। उस ज़माने में दोनों ही कंसोल में प्ले स्टेशन 1 और ड्रीमकास्ट कंसोल में ना तो गारंटी मिलती थी ना तो वारंटी मिलती थी। अगर हम लोग दोनों ही गेमिंग कंसोल में से कोई भी अगर गेमिंग कंसोल लेते तो हमको बिल नहीं मिलता था, हमको विदाउट बिल हमें लेना पड़ता था, क्योंकि उस समय सोनी इंडिया लॉन्च नहीं हुआ था इंडिया में। इस वजह से ये दोनों ही कंसोल में हमें ना तो वारंटी मिलती थी ना तो गारंटी मिलती थी। ड्रीमकास्ट के फ्लॉप होने का कारण था, एक तो उसका हार्डवेयर, दूसरा उसमें कम गेम, इस वजह से ड्रीमकास्ट फ्लॉप हो गया बुरी तरह से। प्ले स्टेशन 1 का हिट होने का कारण था, उसमें काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल थे प्ले स्टेशन 1 में और प्ले स्टेशन 1 का हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से प्ले स्टेशन 1 उस ज़माने का सबसे अच्छा कंसोल माना जाता है। प्ले स्टेशन 2 सन 2000 में आए और प्ले स्टेशन 2 के टक्कर में एक्सबॉक्स था और एक्सबॉक्स भी उतना कमाल नहीं कर पाया जितना प्ले स्टेशन 2 मार्केट में चला। प्ले स्टेशन 2 के चलने के बहुत से कारण हैं। प्ले स्टेशन 2 में पैरिस वाली सीडी लग जाती थी, बाद में उसमें हार्ड डिस्क का भी सिस्टम आया। एक्सबॉक्स में कोई हार्ड डिस्क का सिस्टम आया भी होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी एक्सबॉक्स कंसोल नहीं लिया। जहाँ तक मुझे इतना मालूम है कि एक्सबॉक्स में काफ़ी लंबे समय के बाद हार्ड डिस्क का सिस्टम आया था। और अगर मैं पायरेसी की बात करता हूँ तो पायरेसी बोले तो सीडी, कॉपी वाली सीडी एक्सबॉक्स में भी लग जाती थी और प्ले स्टेशन 2 में भी लग जाती थी। इन सब के बावजूद प्ले स्टेशन 2 सुपर हिट कंसोल उस ज़माने का था और एक्सबॉक्स बुरी तरह से पिट गया था। उसके बहुत से कारण है, क्योंकि सोनी ने प्ले स्टेशन 2 के ज़माने से ही अपने एक्सक्लूसिव गेम्स बनाना शुरू कर दिया था। और जहाँ तक मुझे एक्सबॉक्स के बारे में इतना मालूम है कि उसमें सिर्फ एक ही गेम एक्सक्लूसिव आता था, हेलो, और कोई और भी आते होंगे तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन जितना प्ले स्टेशन 2 में जितने एक्सक्लूसिव गेम्स पॉपुलर हो रहे थे, हिट हो रहे थे, प्ले स्टेशन 2 के मामले में एक्सबॉक्स गेम्स उतने हिट नहीं हो रहे थे और सारे लोग प्ले स्टेशन 2 की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि प्ले स्टेशन 2 में हार्ड डिस्क का सिस्टम आ गया था। हम लोग सारे गेम्स हार्ड डिस्क में हम लोग प्ले कर सकते थे, तो इस वजह से भी सारा मार्केट प्ले स्टेशन 2 ने ही ले लिया। और अगर मैं प्ले स्टेशन 2 की अगर मैं कुछ गेम्स की बात करता हूँ, जैसे कि मेटल गियर, उस समय मेरे ख्याल से प्ले स्टेशन 2 में एक्सक्लूसिव था, और गॉड ऑफ वॉर तो एक्सक्लूसिव ही था, आप सबको मालूम है। स्मैकडाउन पेन सबसे बड़ा गेम प्ले स्टेशन 2 का, स्मैकडाउन पेन जो आपको एक्सबॉक्स में नहीं मिलेगा, इसी वजह से कोई भी बंदा एक्सबॉक्स नहीं परचेज करता था। एक तो गॉड ऑफ वॉर, स्मैकडाउन पेन और ऐसे काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव गेम्स थे जो प्ले स्टेशन 2 में आ रहे थे,
और एक्सबॉक्स में उतने एक्सक्लूसिव गेम नहीं थे और स्मैकडाउन पेन का जलवा भी उसमें नहीं था। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के सारे लोग प्लेसेशन 2 की तरह भी जा रहे थे, क्योंकि उस समय जो पॉपुलर गेम था स्मैकडाउन पेन, और स्मैकडाउन पेन एकदम से पॉपुलर नहीं हुआ दोस्तों, प्लेसेशन 1 से ही स्मैकडाउन गेम आ रहे थे और प्लेसेशन 1 का हिट होने का कारण यही था कि उसमें स्मैकडाउन गेम था प्लेसेशन 1 में, और ड्रीमकास्ट का फ्लॉप होने का कारण यही था कि ड्रीमकास्ट में कोई भी स्मैकडाउन वाले गेम ड्रीमकास्ट में नहीं थे, और अगर होंगे भी तो वो एकदम बेकार ही थे। तो प्लेसेशन 1 का हिट होने का कारण यही था, क्योंकि शुरू से ही स्मैकडाउन गेम प्लेसेशन 1 में आ रहे थे। स्मैकडाउन जो THQ जो कंपनी है जो स्मैकडाउन गेम बनाता है वो एक्सक्लूसिव दे रहा था प्लेसेशन 1 में और प्लेसेशन 2 में, इसी वजह से और कंसोल में स्मैकडाउन गेम नहीं आ रहे थे, और इसी वजह से सारे कंसोल जितने भी आए थे उस ज़माने में वो सारे के सारे फ्लॉप साबित हुए। अगर मैं मेटल गियर 2 की बात करता हूँ प्लेसेशन 2 में, प्लेसेशन 2 में आप लोगों ने मेटल गियर तो खेले होंगे, मेटल गियर के जो ग्राफिक्स थे प्लेसेशन 2 में काफ़ी अच्छे थे। और अगर मैं मेटल गियर 2 के जो बीच बीच में जो मूवी आती है उसकी बात करता हूँ तो एकदम सिनेमैटिक तरीके से मूवी बीच बीच में डाली गई थी और गेम प्ले वाली मूवी थी, ऐसा नहीं कि अलग से हैवी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके मूवी में डाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। गेम प्ले जैसा कब मूवी ख़त्म हो जाए और कब गेम चालू हो जाए, इस तरह के ग्राफिक्स थे मूवी और गेम प्ले की। तो ये पहला जो कंसेप्ट था कोनामी कंपनी का ये एकदम ही अद्भुत था, हमें देखने को मिल रहा था प्लेसेशन 2 के ज़माने में। आप लोगों ने मेटल गियर 2 अगर खेले होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि सिनेमैटिक ग्राफिक के साथ साथ एक स्टोरी जो मूवी हम लोग पिक्चर देखते वैसा गेम के अंदर दिखाया गया था, और जो बंदा मेटल गियर गेम खेलता था वो हक्का बक्का रह जाता था कि भाई ऐसे गेम भी वीडियो गेम में आ सकते, लोगों को यकीन नहीं होते थे। बाद में तो आपको सबको मालूम है गॉड ऑफ वॉर ने जो धमाल मचाया था उस ज़माने में वो तो हम आज भी नहीं भूल सकते। वीडियो गेम की सेकेंड जनरेशन थी ये प्लेसेशन 2, इससे पहले कि जितनी भी गेमिंग कंसोल आए होंगे मुझे आइडिया नहीं है। मैंने प्लेसेशन 1 से अपना गेमिंग कंसोल खेलना शुरू किया था तो मुझे प्लेसेशन 1 और प्लेसेशन 2 3 4 के बारे में मालूम है। इससे पहले अगर कोई गेमिंग कंसोल आए होंगे तो इस टाइप के गेम उसमें तो नहीं आते होंगे, ये तो मैं 100% कहता हूँ। मेटल गियर, गॉड ऑफ वार और भी बहुत सारे गेम्स हैं, स्मैकडाउन हो गया और स्टोरी वाले काफ़ी सारे गेम्स प्लेसेशन 2 में आते थे, प्लेसेशन 1 में भी आते थे, लेकिन एक जो जनरेशन बदला, जो चेंज हुआ जनरेशन, सिनेमेटिक ग्राफिक वाला जनरेशन प्लेसेशन 2 से आया। प्लेसेशन 1 2 3 और 4 की जो जनरेशन थी दोस्तों, करेंट में तो प्लेसेशन 4 चल रहा है, तो ये सारे गेमिंग कंसोल अपने अपने ज़माने में हिट गेम थे, ये सारे गेमिंग कंसोल अपने अपने ज़माने में सुपर हिट थे, और इनके सामने कोई भी गेमिंग कंसोल टिक नहीं पाया। और प्लेसेशन 2 मैं आज भी खेलता हूँ दोस्तों, मेरे पास प्लेसेशन 2 है, और प्लेसेशन 2 में मैं स्मैकडाउन पेन खेलना पसंद करता हूँ, मेटल गियर 2 और 3 खेलना मैं पसंद करता हूँ। मेटल गियर 1 प्लेसेशन 1 में आया था और मेटल गियर 2 और 3 ये दोनों ही गेम प्लेसेशन 2 में आया था, और ये गेम तीनों ही पार्ट काफ़ी लाजवाब थे, मैंने तीनों ही पार्ट खेला हूँ। अगर आप में से अगर किसी ने अभी तक नहीं खेला है तो आप लोग खेल सकते हो, अगर जिनके पास प्लेसेशन 2 नहीं है तो वो पीसी में एमुलेटर की सहायता से मेटल गियर 1 2 3 आप लोग खेल सकते हो। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आप लोग ये गेम खेलिए, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो अगर आप लोगों ने ये गेम्स नहीं खेले हो तो जाइए खेलिए, उस ज़माने में जो स्टोरी गेम के अंदर डाली गई थी वो एकदम अचंभा करने वाली स्टोरी थी। अब चलिए मैं आपको प्लेसेशन 2 अगर आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हो तो प्लेसेशन 2 आपको हार्ड डिस्क वाला, देखिए यार इसमें दो प्रकार के प्लेसेशन 2 आते हैं, एक इंटरनल हार्ड डिस्क वाला और एक USB हार्ड डिस्क वाला, तो जहाँ तक है मेरा सजेशन है आप लोग इंटरनल हार्ड डिस्क वाला ही PS2 आप लोग लीजिए। USB हार्ड डिस्क में आपको लोडिंग थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा, गेम प्ले में कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ लोडिंग में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा लोडिंग USB हार्ड डिस्क के थ्रू लेता है।
और अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो इंटरनल हार्ड डिस्क वाला प्ले स्टेशन 2 आपको 3000 से 5000 के बीच में आपको लेना चाहिए। देखिए प्राइस बंदे के ऊपर रहता है, कम ज़्यादा करता है, तो आपको कंडीशन देख के लेना चाहिए। अगर प्ले स्टेशन 2 की अगर कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो आप उसे 5000 तक भी ले सकते हो, और अगर कंडीशन बहुत ही बेकार आपको लग रही है तो आप 4000 या फिर 3500 तक आप लोग ले सकते हो। तो ये सब कुछ आपको ही तय करना पड़ता है, क्योंकि जो आपको बेचेगा वो तो एकदम आसमान के रेट ही आपको बताएगा। तो यहाँ आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना है। प्ले स्टेशन 2 में आज की डेट में कोई भी नया गेम नहीं आता, एक ज़माना ख़त्म हो गया उसको। तो आज का जो ज़माना है प्ले स्टेशन 4 का ही है। हाँ, अगर आप लोग स्मैकडाउन पेन और प्ले स्टेशन 2 के काफ़ी सारे गेम्स अगर खेलना चाहते हो तो ये प्ले स्टेशन 4 में भी आप लोग खेल सकते हो। प्ले स्टेशन 4 में अगर जिनका 5.05 जेलब्रेक वाला अभी तक होगा तो वो प्ले स्टेशन 2 के सारे गेम्स खेल सकता है प्ले स्टेशन 4 में। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है प्ले स्टेशन 4 के बारे में, कि अब जब तक जेलब्रेक नया वाला नहीं आता है तब तक ये सारे चीज़ें जितनी भी प्ले स्टेशन 2-1 के जो गेम्स हैं ये प्ले स्टेशन 4 में पॉसिबल नहीं होगा चलाना। तो नया जेलब्रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी ऑफलाइन अकाउंट चल रहे हैं, तो जब तक आप लोग ऑफलाइन अकाउंट के साथ जा सकते हो। तो बस दोस्तों, ये थी प्ले स्टेशन 2 के बारे में छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।